वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय, पत्रकार की रिपोर्ट। किसानों द्वारा भारत बंद के समर्थन। प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह द्वारा वाराणसी के शास्त्री घाट पर किया गया धरना प्रदर्शन। किसानों द्वारा भारत बंद के समर्थन में ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह एवं कार्यकर्ताओं द्वारा वाराणसी के शास्त्री घाट पर किया गया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने किसान कानून का विरोध करते हुए सरकार पर जमकर कसा तंज। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी। आज शास्त्री घाट पे किस तरीके का प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है? आज पूरे भारत में किसानों द्वारा आहूत भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, उसी कड़ी में सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, किसानों के बेटा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में हम लोग गांव-गांव धरना देने का काम कर रहे हैं। आपकी प्रमुख मांगे आज क्या है? हमारी मांगे तो किसान की जो मांग है वही हमारी भी मांग है। जो केंद्र सरकार ने 3 काला कानून किसानों के लिए लाया, जिससे किसान खुश नहीं है, उस कानून को वापस करने की मांग आज विगत 1 साल से धरना देकर कर रहे हैं। उसी कानून को सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी भी यह कहना चाहती है कि किसान जिस कानून से खुश नहीं है, किसान जिस कानून से खुशहाल नहीं है, उस देश का खस्ता हाल होने में कोई देरी नहीं है। इसलिए किसानों की मांग को मांग ली जाए, अन्यथा किसानों से जो जो सरकार ने आज तक पंगा लिया, उसकी बात को नहीं माना, उसका पतन भी हुआ है और इनका भी पतन अब होकर रहेगा, क्योंकि 1 साल से किसान अनवरत वहाँ धरना दे रहे हैं और पहली दिन से लेकर आज तक सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी भी उनके समर्थन में हर जगह खड़ी दिखाई दी है, खड़ी रही है। उस आंदोलन में कम से कम 200-300-400 लोग, 100 किसान शहीद हो गए, भूखे मर गए, फिर भी किसानों के हित की बात हिटलर शाही सरकार नहीं मान रही है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरा कर दिया जाए, वरना आप अपने पतन की और बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में लग जाइए। 1 साल हो गए सभी जगह धरना दिया जा रहा है, काशी की बात न करें, पूरे भारत में धरना दिया जा रहा है। क्या लगता है कि 1 साल के बाद की सरकार आपकी बातों को सुनेंगे? देखिए, किसानों की बात को तो सुनना ही पड़ेगा। 1 साल हो गए, अगर मनुष्य हैं और मानव हैं ये लोग, इनके अंदर भी दिल है, तो इन लोगों को यह सोचना चाहिए कि किसान अन्नदाता है, किसान धरती माँ का असली भगवान वही है, और किसानों का अनादर करना मतलब अपना पतन करना है। और किसानों की बात को अगर ये लोग नहीं मानते हैं, और किसान भाई जब तक आंदोलन करेंगे, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आंदोलन करेगी। सरकार का कहना है कि कृषि कानून को समझने में लोगों को गलती हो रही है। नहीं, मतलब अपना पतन करना है, और किसानों की बात को अगर ये लोग नहीं मानते हैं, और किसान भाई जब तक आंदोलन करेंगे, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आंदोलन करेगी। सरकार का कहना है कि कृषि कानून को समझने में नहीं, जो 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 लाखों लाख किसान आज देश में धरना दे रहे हैं, क्या वो सरकार से कम पढ़े लिखे लोग हैं? उसमें भी IAS, PCS अधिकारी, DM रैंक के सभी लोग उस धरना में शामिल है। क्या किसान का बेटा IAS DM अधिकारी नहीं है? इस बात को किसान नहीं समझ रहा है? किसान के पास अच्छे अच्छे वकील हैं, अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, वो सबसे समझ चुका है, या किसानों को गिरवी रखने वाली कानून है इसलिए किसान भयभीत हो रहा है? क्योंकि किसान अनाज पैदा करेगा और रेट कौन तय करेगा? अडानी और अंबानी, पूंजीपति? नहीं, किसान अनाज पैदा करेगा तो किसान ही उसका रेट तय करेगा, किसान की ही मांग है। अब नहीं होगा तो फिर बंद होगा, चक्का जाम होगा, प्रदर्शन होगा, वोट का बहिष्कार होगा। आने वाले समय में इस सरकार को कोई वोट नहीं देगा, सब लोग जागरूक हो रहे हैं। और ये अन्न है, अन्न के बिना आप भी यहाँ नहीं बैठी और अन्न के बिना हम भी नहीं बैठे। राष्ट्रपति भी 3 टाइम भोजन करते हैं, वही वो भी अन्न होता है, प्रधानमंत्री भी 3 टाइम,
मुख्यमंत्री भी 3 टाइम, जिलाधिकारी भी 3 टाइम वो अन्न का भोजन करते हैं। जिस दिन किसान अन्न पैदा करना बंद कर देगा या अन्न पैदा करके वो बेचना बंद कर देगा, उस दिन जो जहाँ है वहीं लौट जाएगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसानों से पंगा मत लो, नहीं तो ही वरुणा नदी में पानी बढ़ रहा है, इसी में तुम्हारा तुमको समाहित कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार को तो 3 महीने बाद चुनाव आ रहा है, उसका तो खेल ख़त्म है। नेताजी हमारे कहते हैं कि डूबती हुई नैया इसी में नैया उनकी डूबेगी। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 3 काला कानून वापस, किसान जो चाहेगा उसको पूरा किया जाएगा। 80% देश वाला कृषि वाला यह देश है, 80% वाले का बात हम पहले सुनेंगे कि 20% वाला का सुनेंगे? भारत हमेशा किसान प्रधान देश रहा है और आज भी किसान प्रधान देश है। हम किसानों की बात को पहले सुनेंगे, जैसा कानून कहेगा वैसा कानून हम किसानों को बना कर देने का काम करेंगे, क्योंकि खुशहाल किसान होगा तभी हम खुशहाल और जीवित रहेंगे।